सेना। तुम यहाँ से गई नहीं अब तक? किस किस्म की बेशरम और बेहया लड़की हो तुम, मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। आप प्लीज, मैं आपसे सुबह सुबह कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ आसवंत। अगर आप मुझसे बात कर रही हैं, तो मैं भी आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। निकल जाओ यहाँ से। इतना बेशर्मों की तरह अपनी बहन के ससुराल में दंदनाती फिर रही हो। ससुराल था, है नहीं। तुम कौन होती हो ये रिश्ता खत्म करने वाली? हैसियत क्या है तुम्हारी? असवंत के गले पड़ने का ये मतलब नहीं है कि तुम अब आपा। आप निशा से इतना बात नहीं कर सकती। ओह, तो तुम मुझे सिखाओगे कि किससे किस तरह बात करनी है? तमीज से उनसे बात की जाती है जिनकी कोई इज्जत हो। इस तरह से बाप की इज्जत को कदमों में रौंद कर घर से भागने वालियों की नहीं। पापा चाहती क्या हैं आप? क्या आप ये चाहती हैं कि मैं आपको यहां से जाने का कह दूं? क्या तुम मुझे यहां से जाने का कहोगे? इसके लिए? अगर आपको इस घर में रहना है तो आपको निशा से तमीज से बात करनी होगी, वरना क्या कर लो? वरना मैं आपको यहां से जबरदस्ती जाने का कह दूंगा। असल तुम्हारी ये हिम्मत कि आज तुम मुझसे बदतमीजी करोगे। आंखें नीचे करो। मैं कहती हूं आंखें नीचे करो। इस लड़के के पीछे तुमने आज मुझसे जबान दराजी की है, घर से मुझे निकालोगे? ये लो, हाथ पकड़ो मेरा और निकालो मुझे। मैं भी देखती हूं कितना सफेद खून हो गया तुम्हारा। आपको क्यों समझ नहीं आती कि निशा मेरी मोहब्बत है, मेरी पसंद है ये? अगर ये पसंद है तो मीनू क्या थी? गलती थी वो मेरी, जिसका ज्यादा चाहता हूं मैं। गलती ये है जिसका अजाला भी मुमकिन नहीं होगा। किस किस्म की बहन है आप? मुझे खुश क्यों नहीं देखना चाहती आप? बहुत अफसोस है मुझे आसवंत, तुम ना एक अच्छे शोहर बन सके और ना अच्छे भाई। एक पराई लड़की के पीछे तुमने कल अपनी बीवी को ठुकराया और आज तुम क्या पराई पराई रट लगाई हुई है आपने? क्यों समझ नहीं आ रही कि निशा इस घर का हिस्सा है? अब हमारे रिश्ते का नाम चाहिए ना आपको? मैं दूंगा नाम, अभी और इसी वक्त नाम दूंगा मैं, और देखती रहेंगे आप। चलो निशा,